हेलो नमस्ते सलाम दुआ वणक्कम प्रणाम सत श्री अकाल केम छु सारू छे। मैं शशांक आपका अपने चैनल टिप ट्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर शहर देहरादून की। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी होने के साथ साथ भारत के बड़े शहरों में से एक है। यह प्रसिद्ध है अपने टूरिज्म, शिक्षा और अपनी संस्कृति व अपनी प्राकृतिक सुंदरता को लेकर के। तो आज हम देहरादून के ऐसे बहुत ही सुंदर 5 पॉइंट आपको दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप चकाचौंध रह जाते हैं। देहरादून वैसे एजुकेशन हब भी बन चुका है। यहाँ पर आपको रोड सड़कों पर लगभग 40% स्टूडेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल हैं और बड़े बड़े नेता और अभिनेता यहाँ से पढ़कर जा चुके हैं, जैसे अमिताभ बच्चन। तो देरी ना करते हुए चलिए आज आपको देहरादून दिखाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें। नंबर 1 सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा इतना अच्छा पिकनिक स्पॉट है कि यहाँ पर अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर नहाने का जो मज़ा है वो किसी 5 स्टार के स्विमिंग पूल में भी नहीं है। यहाँ पर आप सुंदर सुंदर झरने देख सकते हैं और उनमें नहा सकते हैं। ये प्रकृति का एक इतना सुंदर नज़ारा है जिसे देखकर आप हैरान ही रह जाते हैं। साथ ही आप गुरु द्रोण की तपोभूमि के भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ये बारिश है, ये बारिश बिल्कुल नहीं है, ये सहस्त्रधाराएं हैं जिनसे मिलकर सहस्त्रधारा बना है। यहाँ पर आप इसके नीचे खड़े होकर स्नान कर सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। साथ ही बच्चों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वाटर पार्क है जिसमें बड़े बड़े झूले हैं और यहीं पर अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो पार्किंग की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आप अच्छे से गाड़ी पार्क करके सारा सहस्त्रधारा घूम सकते हैं। साथ ही एक बहुत ही सुंदर सी मार्केट है जिसमें आपके दोस्तों के और परिवार के लिए बहुत ही अच्छे सामान मिलते हैं। और यहीं पर पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट बना हुआ है जो एक पिकनिक पॉइंट है। वहाँ पर आप केबल कार से जा सकते हैं। नंबर 2 टपकेश्वर महादेव। टपकेश्वर महादेव देहरादून का मुख्य शिवालयों में से एक है। यहीं पर बहुत सारे श्रद्धालु दिन भर दर्शन करते हैं। साथ में ही यहाँ पर संतोषी माता का मंदिर है, माता के भक्त भी यहाँ दर्शन करने आते रहते हैं। साथ ही इतनी सुंदर नदी है कि जिसमें आप नदी के तल तक देख सकते हैं जो बिल्कुल ही साफ और स्वच्छ पानी से बहती है। यहीं पर टपकेश्वर महादेव विराजमान हैं जिनके ऊपर स्वयं से ही पानी शिवलिंग के ऊपर टपकता रहता है जो लगभग 1 से 2 मीटर की दूरी के बाद गायब हो जाता है। यह प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालु साल में एक बार शिवरात्रि के मौके पर बड़े मेले में भी आते हैं। नंबर 3 बुद्धा टेंपल। बुद्धा टेंपल बौद्ध धर्म के अनुयायियों का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर आप जब देहरादून घूमने आए तो जरूर एक बार जाएं। नंबर 4 FRI। FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर आप इसे फॉरेस्ट म्यूजियम भी कह सकते हैं। यह देहरादून का बहुत ही सुंदर पॉइंट है। देहरादून के सभी पॉइंट में सबसे सुंदर और सबसे अच्छा लुभावना पॉइंट FRI है, क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड व बॉलीवुड की बहुत सारी मूवी की शूटिंग हो चुकी हैं। यह इतना सुंदर किला, इसको किला भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको भूल भुलैया भी बोल सकते हैं, जो भी बोलो। मेरा मानना तो यही है कि देहरादून की जितने भी पॉइंट हैं उनमें सबसे सुंदर पॉइंट यही है। 1878 में बने इस बिल्डिंग की कलाकारी
जो ब्रिटिश द्वारा बनाई गई है देखने लायक है। इसके अंदर जाने पर मानो आपको ब्रिटिश की या पुराने दिनों की एक अनूठी सी याद दिलाती है। इसके अंदर जाकर आपको एक भूल भुलैया यानी कि एक ही आकार की सभी बिल्डिंग एक ही डिज़ाइन की और एक ही कलर की बनी हुई हैं। इसके अंदर 6 म्यूजियम पॉइंट हैं जिसमें जाकर आप फॉरेस्ट से जुड़ी हुई पुरानी पुरानी चीज़ें देख सकते हैं और अपने अनुभव को बढ़ा सकते हैं। नंबर 5, रॉबर्ट्स केव, या इसको गुच्चू पानी भी बोल सकते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट पॉइंट है। एक गुफा है जिसके अंदर से पानी आता है जिसकी गहराई 600 मीटर है। साथ में ही यहाँ पर कुछ अच्छे रेस्टोरेंट हैं जो पानी में बने हुए हैं।